अब दोस्तों ये देखिए लेग पीस, तो लेग पीस भी खा के देख लेते हैं। लेग पीस गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि 100 के सेलिब्रेशन में ही हम लोग का पूरा जो है दिन चला गया था और कल जो है वीडियो हमारा नहीं आ पाया था क्योंकि कल जो है थोड़ा काम वगैरह ज़्यादा हो गया था और थोड़ा तबीयत वगैरह भी सही नहीं था, इसकी वजह से कल का ब्लॉग नहीं बन पाया था। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज है संडे। इधर देखिए अभी घर के बगल में ही गाड़ी हमारा लगा हुआ है तो अभी हम लोग को लोडिंग नहीं मिल रहा है। अभी 2-3 दिन से ट्रांसपोर्टर से बात कर रहे हैं लोकल या लॉन्ग ट्रिप का कहीं का भी, तो कोई ट्रांसपोर्टर वगैरह कुछ बता नहीं रहा। तो अभी 10 बजे नहा धो पूरा फ्रेश हो चुके हैं, इधर रोहित भाई भी है, अभी चलते हैं। गौतम जी फ़ोन किए थे आज सुबह सुबह कि भैया आज 100 के आपका सेलिब्रेशन हो गया है तो उसी के उपलक्ष्य में आज चिकन पार्टी करेंगे। तो वही गौतम जी जो है चिकन वगैरह बना रहे हैं अपना रूम में, अभी हम और रोहित भाई चलते हैं उनका क्वार्टर में और देखते हैं चिकन पार्टी करते हैं और भेंट मुलाकात भी कर लेंगे। लोडिंग वोडिंग देखिए दोस्तों मिल नहीं रहा अभी, लोडिंग अभी गर्मी में मिलने वाला है नहीं। लोडिंग अभी देखिए कब तक लोडिंग मिल जाएगा, तो बढ़िया यहाँ से निकल जाएंगे। लोडिंग अभी 4-5 जगह से बात किए नहीं, लोडिंग अभी तक मिला नहीं है। देखिए दोस्तों आज संडे भी है यार, यही चलते माल उल नहीं मिल रहा। इस संडे में सब छुट्टी मनाता है, घर में पार्टी वार्टी मनाता है, यही चलते आज ट्रांसपोर्ट वाला भी मना कर दिया, अभी आज माल नहीं मिलने वाला है। आज ऐसे हम लोग घूमना है, क्या करेंगे, आज तो गाड़ी यहीं खड़ा रहेगा, अब कल देखेंगे चांस मारेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी चल दिए हैं, तुम जी इधर गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं घर पे, चिकन बना है तो पंकज भैया लोग खाएंगे, वही तो फिर आना है क्योंकि पंकज भैया को इन्वाइट किया है, पंकज भैया जा रहा है। मतलब तो जाने में मूड नहीं कहता था कि इतना घाम है ना, इतना धूप है ना भाई, 44 डिग्री से टेम्परेचर कुछ कम नहीं रहा है यहाँ पे। बोकारो में पानी वानी का कोई ठिकाना नहीं है, ना तूफान आधी तूफान आ रहा है, ना बारिश हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अब तो यहाँ डायरेक्ट 26-27 को पानी दिखा है, देखिए। ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं रोहित और इधर पंकज भैया हमारे क्वार्टर पे आ चुके हैं, क्योंकि हमको बहुत खुशी हुआ था, 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ था जिसकी वजह से, और हमने एक छोटा सा चिकन पार्टी रखा था। संडे रहता है तो संडे को छुट्टी हम लोग मतलब रेस्ट करते हैं, थोड़ा वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं। तो आज हम पंकज भैया को बुलाएं और रोहित को बुलाएं कि आओ भाई हमारे तरफ से एक छोटा सा चिकन पार्टी है। और अभी देख सकते हैं पंकज भैया मजा ले रहे हैं, गौतम जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। गौतम जी कल ही फोन करके बोल दिए थे कि भैया संडे को मेरा छुट्टी रहता है तो हम चिकन पार्टी करेंगे और आपको और रोहित जी को इनवाइट करेंगे। तो फाइनली इनके रूम पे आ चुके हैं और देखिए इनका आम का जो पेड़ है कितना मतलब देहाती आम है और इतना ना मीठा लग रहा है ना दोस्तों, कहना नहीं। और गौतम जी देखिए क्या करते हैं, सब रख लिया है दोस्तों डंडा और इधर झोला, और इसके बाद ये क्या करता है, ऐसे फंसा के तोड़ देते हैं, इसमें आम में फंसाते हैं और इधर खींच देते हैं, तो क्या होता है मीठा मीठा आम खाने के लिए मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि आम का बर्बादी भी नहीं होता है और मीठा आम खाने को मिल जाता है। वैसे भी रोहित जो है आम खाने का बहुत शौकीन है, परसों भी आया था उस समय भी आम तोड़ा था और अभी भी आम तोड़ा है, तो लग रहा आम खाने में मजा आ रहा है। बहुत मीठा है, देहाती है, बहुत छोटा लेकिन बहुत मीठा है। हम लोग थोड़ा क्या करते हैं ना, जो पका हुआ रहता है वही तोड़ते हैं, सिर्फ कच्चा वालों को पकने दे रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी गौतम भैया का रूम पे आए हैं, गौतम भैया तो कल ही इन्वाइट किए थे तो हम तो खाएंगे नहीं, खाए की खाने में कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में क्या दिक्कत है। कल चिकन मटन कल नहीं, कल डॉक्टर आया था तो पेट टूट छुआ, अरे चिकन को धो लेना मसाला, बोला बोला मसाला एकदम मत लेना, चिकन को धो के मसाला धो देंगे पानी में, नहीं वो डायरेक्ट मना कर दिया। जो अंकल आए थे कल को तो आए थे तो डायरेक्ट मना कर दिया, कहे की ये चीज तो हमारा दोनों छुआ, तो बोलता क्या चिकन दर्द बार बार प्रॉब्लम हो रहा था, हम बोले ये चीज तो मेरा दर्द कर रहा पेट में, दर्द हो रहा पेट में, दर्द उठ रहा था बार बार, तो बोलता तुम मसाला खा मत, कल दवा भी दिया अंकल आके तो दवा भी खा रहे, तो अभी आराम है, अभी हमको नॉर्मल सा आराम लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है, कहीं कि रात को हम सोए बढ़िया से, कहीं दवा खाए ना तो आराम से सोए हैं, नहीं तो हम जब दवा लिए थे गैस का तो आराम नहीं हो रहा था, कल दूसरा दवा दिया है तो आराम हो गया है, तो कहीं कि बोला जो मसाला के कारण में तेरा ऐसा हो गया है। अरे चलो ठीक हो जाएगा, परहेज कर रहा है ना। हाँ परहेज तो हम चिकन मटन छोड़ दो रोहित, हाँ। हाँ। तुमको यही बोला नहीं, ज्यादा मसाला वाला तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। नहीं भैया मेरे चिकन मटन मसाले मछली बनाता है पूरा मसाला डाल देता है, नहीं जितना कम मसाला डाली उतना ज्यादा अच्छा रहता है। अभी चलिए हम खिलाएंगे ना आपको, जो बनाया वो आप खाके बताइए कितना मसाला है, कैसा लग रहा है। रोहित जी नहीं टेस्ट करेगा फिर मजा कैसे आएगा भाई। अच्छा चलिए आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मेरा नहीं, रोहित बताता है ठीक है कि कैसा टेस्टिंग बना है, कितना स्वाद है सो। अच्छा चलिए ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग चावल निकाल लिए हैं और चिकन देख सकते हैं,
रोहित तो खाने के लिए मना कर दिया बिल्कुल कि नहीं, अभी पूरा परहेज में रहना है। तो देखते हैं कितना दिन तुम परहेज में रहता है, खाने ही में रहा है इधर। अच्छा नहीं लगता है ना गौतम जी? हाँ बताइए, जब पार्टी होता है थोड़ा सा ही खा लो, क्या दिक्कत है? परहेज में मना कर दिया, कल ही मना कर दिया। चलो ठीक है, ज्यादा हम लोग प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि तबीयत सही रहेगा तो मतलब सब ठीक है, जाने तो जहान है। सही बात है। तो दोस्तों अब हम चिकन निकाल रहे हैं, तो दोस्तों अभी तीनों भाई का खाना लग चुका है, हम आकाश जी और रोहित पंकज भैया का, और रोहित भाई तो खा ही नहीं रहे। तो अभी भैया खा के आप बताइए मेरे हाथ का चिकन कैसा लग रहा है आपको? बनाए तो अच्छा ही बनाए गौतम जी, खाइए। खा के बताइए कैसा लग रहा है। खा रहे अभी, खाइए ना, खाना शुरू कीजिए। चिकन देखने में ही अच्छा लग रहा है, तो स्वादिष्ट तो बनाएगा वही भाई। तो चलिए ठीक है दोस्तों, गौतम जी को बहुत बहुत आभार शुक्रिया कि 100 के सेलिब्रेशन में गौतम जी एक छोटा सा पार्टी किए हैं, और रोहित जी को भी इनवाइट किए, हमको भी किए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी इसी तरह हम लोग का दोस्ती दिन दुगुनी रात चुगुनी तक बढ़ता रहे। दोस्तों चिकन का ग्रेवी काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में, अब पीस भी खा के देख लेते हैं। वाह गौतम भाई, बहुत अच्छा चिकन बनाया है। सही में जैसा आपका ट्रक पे बनता है उस तरह का लग रहा है। हाँ हाँ, वाह गौतम भाई, बहुत अच्छा चिकन बनाया है। सही में जैसा आपका ट्रक पे बनता है उस तरह का लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है दोस्तों, मस्त लग रहा है। कभी कभी होता है कि खराब बन जाता है, लेकिन अभी बहुत अच्छा बना है। रोहित जी पंकज भैया साथ हैं, और ज्यादा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। दूना हो गया है, चलिए खा के देखते हैं, बहुत मजा आ गया भाई। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर। उसके बाद अपना लोडिंग वोडिंग का है, क्योंकि आज संडे था इसीलिए लोडिंग नहीं बताया, कल भी शनिवार था तो कल लोडिंग का बात कर रहे थे एक दो लोकल जगह, लेकिन रोहित जी का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था तो शाम को ले गए थे डॉक्टर के पास। तो रोहित भाई अभी कैसा लग रहा था? दवा वो सब तो ले लिए हैं, कहाँ पे रखा हुआ दवा? गाड़ी पे रखा हुआ है। तो दवा रेगुलर खाइए, समझे ना, थोड़ा मसाला थोड़ा सा कम कीजिए और दवा रेगुलर खाइए, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, परहेज कीजिएगा ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज चुका है और पंकज भैया लोग खा लिए गौतम भैया का रूम पे, अब चलते हैं। अब हम भी चल रहे हैं गाड़ी पे, खाए कि हम शुद्ध शाकाहारी खा रहे हैं ना, तो इधर गौतम भैया भी खड़ा है। तो अभी भैया आए थे जाने के लिए क्योंकि थोड़ा समय भी ज़्यादा हो रहा था, रोहित खाना भी नहीं खाया था, भाभी जी खाना घर पे बना दिए। तो चलिए गौतम जी चलते हैं, रोहित बाबू को बहुत भूख लगा है, सुबह में नाश्ता किया, अभी दोपहर का खाना नहीं खाना भी टाइम से जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है रोहित चलिए ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों आप चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, इधर देख सकते हैं निकलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा घाम है भाई, थोड़ा सा धूपा बर्दाश्त नहीं हो रहा, थोड़ा सा लहर मार रहा है। ठीक है दोस्तों अब चलते हैं। देखिए दोस्तों अब खाना खाने जा रहे हैं, तो हमारा है आलू दम का सब्जी और इधर चावल, हम तो चिकन उकन खा नहीं रहे हैं। काले डॉक्टर साहब छो के बल दिया, अंकल जी यहाँ का है बगले का, वही दवाई दिलवाया, तो अभी नॉर्मल है, आराम है, ये चलते हम अभी शुद्ध शाकाहारी खाना है, मीट मछली अभी कुछ खाना नहीं है। ठीक है दोस्तों अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाते हैं। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये देखिए अपना सब्सक्राइबर भाई आ गए हैं फोर व्हीलर लेके, तो हमको और रोहित जी को वाटर पार्क लेके जाने वाले हैं, क्योंकि बोकारो में एक नया वाटर पार्क खुला है, मुश्किल से 2 दिन ही हुआ है ओपनिंग हुए। तो देखिए रोहित भाई भी कपड़ा वगैरह सारा ले लिए हैं, ठंडा पानी ले लिए हैं, चलिए चलते हैं वाटर पार्क आज। ये देखिए ये भैया का गाड़ी है और इन्हीं की गाड़ी में हम लोग जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं फोर व्हीलर से, तो देखिए अपने सब्सक्राइबर भाई जो है इन्हीं का फोर व्हीलर है और भैया खुद से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अभी जो हम लोग बोकारो से लगभग 12 किलोमीटर आगे जा रहे हैं वाटर पार्क में, और ये जो वाटर पार्क है वो पुरुलिया वाले रोड में है, तो लगभग 4-12 किलोमीटर पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं, ये देखिए इधर जो है पीछे हमारा मामा का लड़का रोहन भी बैठा हुआ है और भैया का जो है वो उनके फ्रेंड है, बाकी इधर रोहित जी भी पीछे बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों अभी जा रहे हैं वाटर पार्क अभी नहाने के लिए, बहुत दिन लाइफ में पहली बार जा रहे वाटर पार्क, मतलब इससे बार तो जाते थे नदी नाला में तालाब वालाब में ज्यादा नहाते थे छोटा में, आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क। ठीक है दोस्तों वाटर पार्क चलते हैं अभी, चलिए ज्यादा दूर नहीं यहाँ से, मुश्किल से 10 किलोमीटर और बचा हुआ है, ये एकदम नया वाटर पार्क है, कब उद्घाटन हुआ है उसका? 3-4 दिन हो रहा है, 3-4 दिन। तो चलिए ठीक है दोस्तों अब चलते हैं और वहाँ का नजारा दिखाते हैं,
एकदम न्यू बना है, एकदम बढ़िया है, नहाने में तो मजा आ जाएगा भैया। सुनते हैं ऊपर से लोग नीचे धड़ाम से गिरता है ना भैया स्लिप करके। दोस्तों अभी हम लोग वाटर पार्क पे पहुंच चुके हैं, तो देखिए इधर फोर व्हीलर लगा दी है और इधर देख सकते हैं सामने जो है वाटर पार्क का मेन द्वार है। इधर रोहित भाई आगे आगे चल रहे हैं, चलते हैं आज वाटर पार्क में नहाने के लिए। वाटर पार्क में नहाए नहीं है बहुत दिन से, अब नहाएंगे। रोहित हाँ। संडे को छोड़ के 400 टिकट है, लेकिन आज संडे स्पेशल 600 टिकट है, आने दीजिए भैया लोग को। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इधर देख सकते हैं मेन गेट यही है वाटर पार्क का, एकदम न्यू खुला है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है संडे होने की वजह से। तो चलिए अभी अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। फाइनली दोस्तों टिकट वगैरह कटवा लिए हैं देख सकते हैं, और हाथ में रिबन पहना दिया है। अभी चलते हैं मेन गेट यही पे है और अंदर में हम लोग को जाना है। इधर रोहित भाई भी आ गए हैं, तो चला जाए, रिबन मिल गया हाथ में, कपड़ा लेना है। हाँ लेंगे, कपड़ा लेंगे। दोस्तों अभी हाफ पैंट कर चुके हैं, इधर देखिए रोहित भाई का हाफ पैंट दिला दिया है, इधर रोहन वगैरह सारा तैयार है। तो चलिए भैया चला जाए और वाटर पार्क का मजा लिया जाए, एकदम न्यू ब्रांड का वाटर पार्क है दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं पहले। भाई एम बहनों, मैं नहा कर साबुन उबुन लगा कर पूरा एकदम फिट हूँ। मैं तालाब का सामने हूँ भाई साहब और नहा रहा हूँ, माँ कसम सख है क्या। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं वाटर पार्क में, जो देख सकते हैं रोहित भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं, फोटो भी है इधर, हम भी हैं। तो देखिए वाटर पार्क का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों ये कार्टून अभी ले लिए हैं, उसका ऊपर चढ़ेंगे और उसका ऊपर से फिनिश करना है ऊपर से, अभी इस चीज से करना, इसको पकड़ लेना ऐसे करके, ऐसे करके इसको जाना है। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं ऊपर। देखिए दोस्तों बहुत मजा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। तो यहाँ से सीधे दो तल्ला से नीचे जाने वाला है, तो रोहित जो है ये लगा के तीसरा बार जा चुका है नीचे, और हम एक ही बार गए क्योंकि हमको ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ऊंचाई से ज्यादा पूरा गोल गोल घूम के नीचे जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आधा एक घंटा और एंजॉय करेंगे, फिर चलेंगे घर के अपने। चश्मा का हुआ जी, बहुत ही मजा लग रहा है दोस्तों, इतना ना मजा कहना नहीं। रोहित भाई किधर गया? देखिए दोस्तों भी वाटर पार्क में नहा रहे, बहुत मजा लग रहा है। अरे कौन डुबा दिया, एकदम फिट हूँ। टाटा टाहाड़ू टाटू टेड़े 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 टेड़े, टाटा टाहाड़ू टाटू टेड़े टेड़े शाम के 5 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग का जो है वाटर पार्क में बढ़िया से नहाना वगैरह सारा हो चुका है, और अभी देखिए हम लोग कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं। इधर देखिए रोहित भाई भी हैं, धीरज भाई भी हैं, रोहन भाई भी हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों अब हम निकलते हैं, ये टी शर्ट तो इसी से नहाए थे पूरा भींग गया। तो चलिए अब चलते हैं। रोहित भाई कितना मजा आया ये बताइए वाटर पार्क में? लगा अच्छा लगा ना? तो चलिए ठीक है दोस्तों अब निकल रहे हैं हम लोग, लीजिए चलिए। शाम भी हो गया, काफी एंजॉय किए हम लोग, लगभग 2-3 घंटा एंजॉय किए। क्या रोहन हम और रोहित पहली बार आए, बाकी रोहन ही सब धीरज जी पहले भी जा चुके हैं वाटर पार्क में। तो चलिए इधर गाड़ी भी खड़ा है, अब निकलते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग शाम को ही वाटर पार्क से आ चुके थे और अभी रात का 8 बज चुके हैं, तो देखिए घर में खाना जो है हमारा भिंडी का भुंजिया बन रहा है, ये देख सकते हैं भिंडी का भुंजिया, इधर रोटी हमारा बन रहा है। और दोस्तों लोडिंग वगैरह का भी बात कर रहे हैं, तो कोई लोडिंग वगैरह बता नहीं रहा, अब देखते हैं। संडे था इसकी वजह से कोई बताया नहीं, अब कल है मंडे, अगर कहीं कुछ प्रोग्राम मिल जाता है तो फिर चलेंगे लोडिंग करने के लिए। फिलहाल हमारा भिंडी का भुजिया बन चुका है और रोहित भाई गाड़ी में आराम कर रहे हैं, अभी बुलाते हैं उनको, खिलाते हैं गर्मा गर्म।
देखिए दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और इधर देखिए खाना मेरा खाया हो गया है। इधर गौतम भैया का खाना लगा हुआ, इधर पंकज भैया का खाना हुआ। हम जल्दी ले लिए थोड़ा, हमको भूख लग गया था बहुत स्पीड। अच्छा यही जल्दी हम खा लिए जल्दी, मतलब हम लोग का वेट भी नहीं कर सकता तुम्हें रोहित। नहीं हमको भूख लगे अकेले बैठ जाए, मतलब हम लोग को छोड़ दो। थकावट बहुत ज्यादा हुई है, क्या चीज के लिए पार्क किए थे नहाने के लिए, तो थकावट बहुत ज्यादा हुई है। यही चलते हम जल्दी भूख लग गया, क्या शाम में भूख लग गया तो हम बाबी को बोलते जल्दी रोटी बनाए खाना खाएंगे, खाना खा के लेटेंगे। शाम को सिंगाड़ा खाया रोहित, उस दिन को कहाँ गया बाबू? हम जुए को सिंगाड़ा खाए और कहता है कि पेट दर्द कर रहा है। समोसे में तेल मसाला नहीं है। शाम को दोस्तों भिंडी लेके आए ताकि इसका पेट जो है सुचारू रूप से काम करता रहे। अभी चाहते तो चिकन मटन ला भी सकते थे, समझे ना, क्योंकि संडे स्पेशल था। नहीं उसको अभी पूरा मतलब भेज ही खिलाई। अभी वो डॉक्टर साहब भी आए थे जो दवा दिए, वो भी बोला कभी एक हफ्ते तक परहेज करना है। चलिए ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग का दूसरा दिन है और दोस्तों अभी सुबह सुबह ही हम लोग जा रहे हैं रांची का माल लोड करने के लिए और रांची से अपना जो है लोग ट्रिप का भर लेंगे माल। तो फिलहाल अभी हम लोग नया मोड़ आ चुके हैं, इधर रोहित भाई भी नाश्ता वगैरह मुँह वगैरह सारा धो लिए हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों अब चलते हैं और बोकारो से रांची का माल लोड करते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्टेड ड्राइवर्स।